जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्य, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस समय आंसर की, क्या क्योंकि जितने भी बच्चे जो SSGD का पेपर दे चुके हैं, हाँ मैंने भी देखा अकेडमी में कि कई बच्चे पूरे दिन जिधर भी मैं निकलता हूँ पूछते रहते हैं सर आंसर की आई क्या, आंसर की आई क्या। और आपके मन में भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि सर आंसर की कब तक आएगी, कब तक आएगी। पहले जो अनुमान लगाया था कि 13-14 तारीख तक आ गई थी, आज आपको पता 15 तारीख का भी दिन लगभग गुजरने को है, अभी भी आंसर की नहीं आई है। तो ये आपकी चिंता और बढ़ाई जा रही है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे नंबर कितने आए हैं या कितने सही हुए। अगर किसी के सही भी हुए हैं तो वो भी मन मन घबराया हुआ है। तो मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ इससे संबंधित कि आंसर की के बारे में। पिछली बार जो SSGD का एग्जाम लाड लो खत्म हुआ था, वो एग्जाम 10-1 से शुरू हुआ था और 13-2-2023 को एग्जाम खत्म हो गया था। पिछली बार का नोटिस है, ध्यान रखना। 10-1 से शुरू हुआ था और 13-2 को एग्जाम खत्म हो गया था। 18-2 को एक नोटिस जारी हुआ था, कितने का, उसके 5 दिन, जब एग्जाम खत्म हुआ उसके 5 दिन बाद की डेट आई और उसमें लिखा हुआ था कि 18-2-2023 से 5 PM से 25-2-2023 तक, यानी 7 दिन तक आंसर की अवेलेबल रही थी। आई कब की, 13 को एग्जाम हुआ था उसके 5 दिन बाद में। तो आपका इस बार एग्जाम कितनी तारीख को खत्म हुआ लाड लो, 12 मार्च को, 12 मार्च 2024 को आपका एग्जाम खत्म हुआ। अगर हम इससे 5 दिन लगाएं तो आपकी आंसर क्या आनी चाहिए, 17 मार्च तक। अब यह क्या कि आज वार है शनिवार और कल है संडे और मंडे को अब चांस बन रहा भाई आपकी आंसर की, अगर पिछली बार की तरह आता है तो। पिछली बार आंसर की 5 दिन बाद में आई थी, यानी 13 तारीख को एग्जाम खत्म हो गए थे और 18 तारीख को आंसर की आई थी, और ध्यान रखना केवल 7 दिन अवेलेबल रही थी। इस बार भी 7 ही दिन अवेलेबल रहेगी, यानी एग्जाम से अगले दिन ही आंसर की नहीं आ जाती। इसको बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि 12 मार्च तक एग्जाम खत्म हुए थे और आंसर की कब जारी हुई थी, आंसर की जारी हुई थी 18 तारीख को। और देखो यहां पर क्या लिखा था, जो आंसर की है उसका नीचे लिंक भी दिया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जब नोटिस आया था ना उसके नीचे देखो एक लिंक आया था, आप अगर अच्छे से देख पा रहे तो मैं आपको बता दूं, ये देखो ये लिंक रहा, लिंक फॉर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट टेंटिव आंसर की एंड सबमिशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। यानी तुमको फालतू के जो लिंक दिखा रहे हैं ना सब फर्जी है, मैं तुमको पहले बताया था, दिखाया था पिछले वीडियो में, सब फर्जी है। जब आंसर की आएगी ना इस प्रकार का एक नोटिस आएगा, उस नोटिस के नीचे एक लिंक मेंशन रहेगा, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तुरंत तुम्हारा रोल नंबर मांगेंगे, वहां फिल करो और अपनी आंसर की डाउनलोड करो। ये रहता है, जो अभी बता रहे ना ये लिंक जनरेट हो गया, ये पहले लिंक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबके सब फर्जी है, कोई लिंक जनरेट ही नहीं हुआ, वो खुद ही कर रहे हैं जनरेट। यहाँ आएगा लिंक मेंशन होके, जब आंसर की आएगी ना उसमें पूरा कुछ लिखा रहेगा, जैसे ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कॉन्स्टेबल CTGD पिछली बार का है ना उसके बारे में, 2022 वाज द कंडक्ट 10-1-2023 से 13-2-2023 तक जो कंडक्ट था वही, उसके बाद में ये आंसर की के बारे में लिखा हुआ रहेगा, नीचे लिंक रहेगा। ये नोटिस SSC की जो ऑफिशियल साइट है, इस बार जो नई साइट बन गई है उस पर आएगा, समझ के बात को। तो बाकी जो खत्म है तो कम से कम 5 दिन का समय तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12 मार्च को आपके एग्जाम खत्म है, 5 दिन अगर जोड़े तो 17 मार्च, तो लगता है 17-18 मार्च तक आपके आंसर की आने के चांसेस है भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।